अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑसिलेशन का पांचवा लेक्चर है और जैसा आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी इन SHM, मतलब सादा मौसी की हरकत में तवानाई। तो आइए देखते हैं कि तवानाई जो है वो किस किस्म की होती है जब कोई ज़रा SHM करता है। तो आप लोग गौर कीजिए कि अगर मान लो हमने एक सिंपल वे में अगर हम इस तरह से लेते हैं कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये ओ है और ये बी है, और एक ज़र्रा है जो ए से बी तक और फिर बाद में बी से ए तक हरकत में है, तो क्योंकि वो ज़र्रा बार बार हरकत कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर तवानाई बिल हरकत होगी। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि इस हरकत के दौरान तवानाई बिल हरकत होती है। इसके अलावा और एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि इस हरकत के लिए जो कुवत जुम्मेदार होती है वो है अंदरूनी बाहरी कुवत, मतलब F, और वो जो F है वो हमेशा औसत मकाम की जानिब होती है। तो ये जो औसत मकाम की जानिब, ये जो सेंट्रल फोर्स, हम इसे मरकजी कुवत या सेंट्रल फोर्स कहेंगे, तो इस कुवत की वजह से भी यहाँ पर एक तवानाई पैदा होगी जिसको हम लोग तवानाई बिलकावा कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ज़र्रा सादा मौसी की हरकत करेगा उसमें जो तवानाई होगी वो मजमूई तवानाई होगी और वो दो तवानाइयों का मजमुआ होगी। ओके, टोटल एनर्जी जो रहेगी इसके अंदर वो हमेशा दो लोगों का मजमुआ होगी, एक तवानाई बिल हरकत और एक तवानाई बिल कवा। ओके, तो चलिए आज का हमारा जो आर्टिकल है वो शुरू करते हैं। आप देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ज़र्रे की तवानाई बिल हरकत मालूम करेंगे। ज़र्रे की तवानाई बिल हरकत जो है उसे मालूम, तवानाई बिल हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है इस ज़र्रे के लिए। आप लोगों को पता है कि तवानाई बिल हरकत का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर हम उसको ई सफिक्स के से डिनोट करें तो वो फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर। अब आप गौर करो कि ये जो वी है ये उस ज़र्रे की खती रफ्तार है, और हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जब कोई ज़र्रा SHM करता है उस वक्त खती रफ्तार के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, वो फार्मूला था वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हम ये कीमत जो है v की ये यहाँ ला के रख सकते हैं। ओके, अगर हमने इस कीमत को यहाँ ला के रख दिया तो आप लोग देखो ये क्या हो जाएगा, फिर तवानाई बिल हरकत इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर। जाहिर है इस नंबर का जब आप स्क्वेयर करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वेयर, और अंडर रूट का जब आप स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लेकर ले सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, ये ध्यान में आया सब लोगों के, वी जो है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको वी का स्क्वायर करना है तो वी का स्क्वायर करके हम ऐसा कर सकते हैं उसको। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमको ओमेगा स्क्वायर मिला वापस। ये जो ओमेगा स्क्वायर है, जब कोई ज़र्रा SHM करता है तो हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो है हमने उसकी कीमत लिए थे के अपॉन एम। इसका मतलब हम ओमेगा स्क्वायर की जगह पर के बाय एम ले सकते हैं। तो अगर हमने k बाय एम इसकी जगह पे ले लिया तो ये आ जाएगा e सफिक्स k इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आएगा k बाय एम इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जाहिर है यहाँ पर ये m से m कट जाएगा, और अगर ये m से m कैंसिल हो गया तो जो फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के वास्ते मिलेगा वो फॉर्मूला मिलेगा e सफिक्स k इज इक्वल टू 1/2 एम से एम कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पर के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आपके सामने अभी नज़र आ रहा है ये है तवानाई बिल हरकत का फार्मूला अगर कोई ज़र्रा SHM करता हो तो। ओके, तो ये हमारा पहला फार्मूला आ गया, आप इसको ध्यान में रखिए। आप देखिए फार्मूला क्या मिला, ई के इज इक्वल टू हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग तवानाई बिल कवा के ताल्लुक से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको अभी थोड़ी देर बाद पड़ने वाली है मजमूई तवानाई के लिए।
तो अब हम देखिए, कवानाई बिल कवा मालूम करने के लिए हम हमारी वो जो तरतीबी जो खाका है हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये औसत मकाम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये वाला जो है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। और वो जो जर्रा है वो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाएगा, फिर बी से लेकर ए तक आएगा, और बार बार वो अपने आप को ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। ओके, तो सपोज करते हैं कि जर्रा किसी इस मकाम पर है, यहां पर वो जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर है। हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये वाला जो फासला है ये एक्स है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, जो हटाव पैदा हुआ है, तो वो एक्स है। तो आप इसमें एक चीज देखिए कि ये जो हटाव है ये हटाव एकदम से नहीं होगा, बल्कि ये जर्रा पहले यहां था, फिर ये धीरे धीरे करके ये साइड में सरकना शुरू हुआ, मतलब उसने इधर जाना शुरू किया, और ये डायरेक्शन में जाते जाते वो एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब टी वक्त में वो इस मकाम पर पहुंचा। थोड़ी देर के बाद वो और आगे चले जाएगा। तो यहां हम ऐसा तस्वीर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा वक्त हम लोग ले सकते हैं dt। तो इमेजिन आप लोगों को ये करना है इसके अंदर कि मान लो ये जर्रा यहां पर इतने टाइम में, मतलब dt टाइम के अंदर इतना उसने फासला कवर किया जो कि dx है। और इस तरीके से अगर सोचें तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ये dt टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये dx बढ़ते जाएगा, और जब t वक्त आ जाएगा तो वो जर्रा यहां आ जाएगा। मतलब dx जो है वो x की एक लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हैं आप लोग उसको, कि dx जो है वो बढ़ते, अगर dx जो है वो छोटा सा हटाव है वो बढ़ते 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 x बन जाएगा, और जब टाइम आगे बढ़ेगा तो वो और आगे बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से एक छोटे से वक्त के अंदर हमने एक छोटी सी छोटा सा हटाव जो है वो यहां पर ले लिया। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, हमारा जो टारगेट है वो है तवानाई बिल कावा मालूम करना। आप लोग याद रखिए, तवानाई बिल कावा हमेशा मतलब इस तरह की किसी भी मैकेनिक वाला जो सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम जो होता है, उसमें तवानाई बिल कावा हमेशा किए जाने वाले काम के बराबर होगा। और आपको पता है कि जो वर्क डन है या काम जो है उसका फॉर्मूला होता है कुवत और हटाव का हासिल जरब, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उनका जो हासिल जरब है वो हमेशा काम या वर्क के बराबर होगा। तो ये चीज को हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर क्योंकि हमने हटाव छोटा सा हटाव dx लिया है, इसका मतलब जो काम होगा वो भी एक छोटा सा काम होगा, तो हम उसको dw बोल देंगे। तो dw इज इक्वल टू कुवत है f, क्योंकि जो बहाली कुवत इसमें अमल करेगी डेफिनेटली वो बहाली कुवत होगी f, जो कि इस सिमत में अमल करने वाली है। ओके, ये जो f है इसकी सिमत एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, इनटू अब हमको लेना है हटाओ। अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर हम हटाओ जो है उसकी सिमत अगर औसत मकाम की जानिब ले रहे हैं, तो ये जो dx है ये भी तो एक वेक्टर है, और ये वेक्टर इधर के यानी उसकी जो सिमत होगी वो ये डायरेक्शन में होगी, औसत मकाम से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि f और dx एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो जो वर्क डन यहां पर होगा वो इस कुवत के अगेंस्ट में होने वाला है। इसका मतलब जो हटाव है उसको हमको लेना पड़ेगा -dx। ओके, अपोजिट सेंस है, अपोजिट सिंथ है, इसलिए हम लोग उसको -dx लेंगे। अब आप लोग यहां पर f के बारे में सोचिए। आप देखिए, हमने शुरू में, मतलब जहां ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने एक कंडीशन लेकर आए थे, और वो कंडीशन ये थी कि अगर कोई जर्रा एसएचएम करता है उस वक्त फोर्स जो है यानी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या अंदरूनी बहाली कुवत वो हटाव के साथ रास तनासुब में है, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये हमारी बेसिक कंडीशन थी। और इस साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट यूज किया था। तो अगर हम यहां पर इसको ये साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जो कांस्टेंट यहां पर हम लोग लेंगे वो कांस्टेंट हमने लिया था -k। ओके, तो यहां पर -k और जाहिर है बाजू में यहां पर ये है एक्स। तो अब आप गौर से देखिए, एफ अंदरूनी बाहरी कुवत प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू आ गया, और उसके बाद आया कांस्टेंट, लेकिन साथ में माइनस साइन भी आया। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये एफ और एक्स एक दूसरे से अपोजिटली डायरेक्टेड है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है, तो हम ये कीमत यहां ले सकते हैं। ओके, अगर हमने इस कीमत को यहां पर अगर लिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ की जगह पर आएगा -k इंटू एक्स इंटू
माइनस डीएक्स। ओके, आप लोग देखिए एक बार फिर से इसको समझ लो एक बार। और आप देखो, एक जर्रा है जो कि एक लाइन पर, एक खत पर, ए से लेकर बी तक जो लाइन है, इस लाइन पर वो इस खत के ऊपर वो हरकत में है, एस एच एम में है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने फर्ज किया कि वो पॉइंट टी पर है, मतलब पॉइंट टी जो है वहाँ, वो वक्त टी गुजरने के बाद वो पॉइंट पी पर पहुंच गया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स है, और इस एक्स का डिफरेंशियल हमने ये इमेजिन किया कि वो डीएक्स है, यानी डीएक्स एक छोटा सा हटाव है। तो ऐसी सूरत में जो काम है वो हमेशा होगा कुव्वत और हटाव का हासिल है जरा, इसका मतलब डी डब्ल्यू आ जाएगा कुव्वत की जगह पर एफ, और हटाव जो है क्योंकि अगेंस्ट में, इसलिए माइनस डीएक्स लेना पड़ेगा उसको। फिर हम एफ की कीमत लेंगे, तो एफ की कीमत हम ये बेसिक कंडीशन से ला सकते हैं। हमारी बेसिक कंडीशन थी एस एच एम की कि अगर कोई जर्रा एस एच एम करता है तो उस वक्त अंदरूनी बाहरी कुव्वत हटाव के साथ रास्ता नासुम में होती है, और इस मुनासिबत से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, तो वो जो कांस्टेंट है वो माइनस के है। ओके, ये कीमत हमने यहाँ ला के रख दी है। अब अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ हमको मिल सकती है। आप लोग देखो इसमें हम इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब हम इसको देख रहे हैं कि दोनों साइड में डिफरेंशियल है, इस साइड में डिफरेंशियल ऑफ वर्क है डी डब्ल्यू, उधर डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स। इसको आप हल करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब आप देखो कि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जो है ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, मतलब टोटल वर्क डन, मुकम्मल जो काम है वो ये होगा, तो डी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, के कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। अब अंदर यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ बाकी बची हुई है वो है एक्स टू द पावर वन इंटू डी एक्स। एक्चुअली यहाँ एक्स अकेला है, मतलब उसका जो पावर है वो एक है, तो इंटीग्रेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले का आंसर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर बाय टू। आप लोग देखिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब इसमें लिमिट्स नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स के बारे में अगर सोचें, यानी प्लस में अगर यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं तो हमको यहाँ पे और वो कांस्टेंट्स जो है, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है मैंने आपको बताया था कि उसके साथ हम तीन तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, या तो हम उसकी कीमत मालूम करते, या हम उसकी कीमत फ़र्ज़ कर लेते कुछ अल्फा बीटा थीटा वगैरह कुछ भी, हम लोग उसको कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, या फिर हम उसको ज़ीरो लेके नज़रअंदाज कर देते। तो आज हम उसको ज़ीरो ले लेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो ज़ीरो है। ओके, तो इस लिहाज से अब आप लोग गौर करो कि यहाँ पे काम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया के इंटू एक्स स्क्वेयर बाय टू। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, अब आप लोग एक चीज़ पे गौर कीजिए कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई जिस्म कोई मैकेनिकल सिस्टम में हो, मतलब हरकत करने वाले किसी निज़ाम के अंदर हो, तो उसमें किया जाने वाला जो काम है वो काम खुद ही तवानाई बिलकवा होते हैं, मतलब ये जो काम है तो ये तवानाई बिलकवा है। अगर ये तवानाई बिलकवा है तो फिर आप इसको तवानाई बिलकवा की अलामत से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, यानी डब्ल्यू की जगह पर आप यू ले सकते हैं तवानाई बिलकवा की अलामत, और वो हो जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। तो अब आप देखिए आपके पास एस एच एम करने वाले इस जर्रे के लिए दोनों तवानाइयाँ जो है वो आ गई, तवानाई बिल हरकत हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और तवानाई बिल का हुआ हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, अब आप देखिए हमारा जो टॉपिक था वो था मजमूई तवानाई। अगर हमको उस जर्रे की मजमूई तवानाई अगर निकालना है तो मान लेते हैं कि मजमूई तवानाई ई है, तो तवानाई बिल का और तवानाई बिल हरकत जो है इन दोनों का मजमूआ, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। ओके, इस फॉर्मूले में
आप ये दोनों फॉर्मूलों को लाकर यहां रख सकते हो। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मैंने तवाने बिल हरकत की कीमत ले लिया यहां पर, प्लस तवाने बिल का लेना है तो वो आ जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, अब आप ये वाला पहला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा हाफ के इंटू ए स्क्वेयर, फिर ये हाफ इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद आएगा प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अब आप गौर कीजिए, आप देखो यहां पर ये वाली टर्म माइनस में है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, और ये वाली टर्म प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर है। इसका मतलब ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अगर ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो आएगा E इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारा मजमूई तवानाई का फाइनल फॉर्मूला हमको मिल गया। तो अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ ले लेते हैं ऊपर, ताकि तीनों फॉर्मूले जो है वो आपके नज़रों में रहें। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हमको मिला हाफ के इंटू ए स्क्वेयर। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ हमारा वैसे तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया कि हमने SHM करने वाला जो जर्रा था उस जर्रे के लिए हमने तवानाई बिल हरकत पहले मालूम किए, फिर तवानाई बिल का और अब मजमूई तवानाई, और तीनों फॉर्मूलों में क्या चीज़ें हैं आप देखो बहुत आसानी के साथ आप इनको ध्यान में रख सकते हो। तवानाई बिल हरकत हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तवानाई बिल का हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और जब मजमूई तवानाई की बारी आएगी तो उसमें हाफ के साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम मजमूई तवानाई मालूम कर सकते हैं। आइए अब मैं इसी के साथ जुड़े हुए कुछ और चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसलिए थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए अभी हमको फार्मूला मिला तवानाई मजमूई तवानाई का, और फार्मूला मिला था हाफ के इंटू ए स्क्वेयर। अब आप देखिए 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, के जो है वो कुवत का मुस्तकिल है, तो 1/2 और के को अगर मुस्तकिल के तौर पे हटा दिया जाए, मुस्तकिल के तौर पर अगर उसको लेकर हटा दिया जाए तो वो इक्वल टू के साथ हट जाएगा और हमको फार्मूला मिलेगा ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई जर्रा SHM करेगा, सादा मौसी की हरकत करेगा, तब जितना बड़ा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जितना बड़ा उसका एम्पलीट्यूड मतलब जितना बड़ा उसका हैता रहेगा उतनी ज्यादा उसकी तवानाई होगी। तवानाई जो है वो क्या है, रास तनासुब में है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ में। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तवानाई जो है मजमूई तवानाई बढ़ती जाएगी। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, मान लो एक MCQ के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं कि एक SHM करने वाले जर्रे का हैता 2 गुना किया गया तो उसकी तवानाई का क्या होगा। तो आप लोग देखिए बहुत आसानी के साथ आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। आपको बोला गया है कि ये हैता डबल किए, डबल किए का मतलब ये हो जाएगा ए की जगह पर आपको 2a लेना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको स्क्वायर में लोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका मतलब क्या हुआ कि तवानाई जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर आपको हैता 2 गुना दिया जाता है तो तवानाई 4 गुना बढ़ेगी, अगर हैता 3 गुना बढ़ाते हैं तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, इसका मतलब तवानाई जो है वो 9 गुना हो जाएगी। तो ये इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर मान लो हैता जो है वो आधा कर दिया गया तो आप यहाँ पर उसको a/2 लोगे, जाहिर है उसको यहाँ पर आपको a/2 लेकर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस सूरत में ये आ जाएगा a² / 4, मतलब यहाँ जो नंबर आया वो 4 आया लेकिन अपॉन में। तो ऐसे टाइम पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि तवानाई जो है वो 4 गुना यानी 1/4 गुना हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी, 1/4। तो इस तरह के सवाल आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला, मैं इस रिजल्ट को एक जगह पे लिख के रख देता हूँ ताकि ये हम बाद में रिकॉल कर सकें। तो ये आ जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये हमारा पहला रिजल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने शुरू में ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाय एम लिया था,
इसका मतलब अगर ये m को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। जाहिर है ये m इधर आ गया तो हमको क्या फॉर्मूला क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज़ हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा e इज इक्वल टू 1/2। ओके, आप देखो इसको e इज इक्वल टू 1/2, के की जगह पर मुझे लेना है m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें से एक चीज पे गौर करो कि 1/2 m और ए स्क्वायर ये दो कांस्टेंट लिए जा सकते। 1/2 एक नंबर है, m कमैया है जो कि मुस्तकिल, और हैता जो है वो भी तो मुस्तकिल ही होता है। तो अगर आपने 1/2 m और ए स्क्वायर को मुस्तकिल के तौर पे ले लिया, इसको कांस्टेंट के तौर पे अगर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा e प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है, मतलब हमारे मजमूई दवाने के फॉर्मूले पर से मिलने वाला ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। कि अगर आपने, आप देखो कि यहाँ पे मजमूई दवाने जो है वो क्या हो रही है, वो जाविया रफ्तार के मुरब्बे के साथ में रास्ता तनासुब में है। मतलब जैसे जैसे जाविया रफ्तार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दवाने जो है वो बढ़ेगी। और इसके वाला मामला है, मतलब वही है कि अगर आपको सवाल में बोला जाए कि जाविया रफ्तार 2 गुना होती है तो तवानाई जो है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि जाविया रफ्तार 3 गुना हो रही है तो तवानाई जो है वो 9 गुना हो जाएगी। इस रिजल्ट को भी हम लोग यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। तो ई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हमको दूसरे नंबर पर ये रिजल्ट हमको मिला है। ओके, चलो इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब आप लोग देखो, इसमें जो ओमेगा है जाविया रफ्तार, हम इसको गायब करके इसकी जगह तवातिर ला सकते हैं। आपको पता है कि ओमेगा का जो फॉर्मूला है, जो दायरवी हरकत में हम लोग देख चुके हैं, वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2π(n)। ओके, यानी गर्दिशी हरकत में जो दायरवी हरकत का जो पार्ट हमने देखा था उसमें ओमेगा के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π(n)। तो ये चीज़ हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/2 m इंटू ओमेगा जो है उसकी जगह पर मुझे लेना पड़ेगा 2π(n) का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ये आ जाएगा e इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4π² n² इंटू ए स्क्वायर। जाहिर है ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं 2π² को सामने लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। यहाँ बचा हुआ है m, उसके बाद है ए स्क्वेयर, और मैं ये एन स्क्वेयर को बाद में लिख देता हूँ। ओके, आप लोग देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2, तो 2π² m ए स्क्वेयर को मैंने पहले लिख लिया, और ये जो एन स्क्वेयर बचा था इसको मैंने यहाँ कर दिया। ओके, अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला हमको मिला मजमूई तवानाई का तवातिर के रूप में, तो फिर से आप गौर करो कि ये वाला जो नंबर है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। तो और क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, इक्वल टू के साथ इसको रिप्लेस कर सकते। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो ये आ जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब मजमूई तवानाई जो है वो हमको रास तनासुब में मिली है तवातिर के मुरब्बे के साथ में। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल गया मजमूई तवानाई का, कि मजमूई तवानाई जो है जर्रे की वो तवातिर के मुरब्बे के साथ रास तनासुब में होती है। फिर से वही वाली बात आ रही है, एन का स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप तवातिर को डबल करोगे तो तवानाई जो है वो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। ओके, इस तरह से ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। तो मैं इस तीसरे रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, चलिए और गौर करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी इसमें निकल सकती है। तो आप लोग गौर करो, यहाँ पर इस जगह एक पॉसिबिलिटी और है, ये जो एन है तवातिर, हम इसको हटाकर इसकी जगह पर वक्ते दौरान मतलब टाइम पीरियड ला सकते हैं। आपको सबको मालूम है कि तवातिर जो है वो वक्ते दौरान का उल्टा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे से उल्टे हैं, ज़र्बी माकूस में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एन की जगह पर क्या आएगा, 1/T। तो अगर यहाँ 1/T लेते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, ई इज इक्वल टू 2π² इंटू एम इंटू ए स्क्वेयर, और ये एन की जगह पर आ जाएगा 1/T का स्क्वेयर।
और अब आप गौर करो, 2 पाई स्क्वायर m इंटू a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट के रूप में हटाया जा सकता है। और अगर इसको एक कांस्टेंट के रूप में हटा दिया जाए तो हमको एक नया रिजल्ट और यहां पर मिलेगा, और वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, e प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर। मतलब तवानाई जो है वो हमको वक्त के दौरान के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमको मिला। तो ये हमारा चौथा रिजल्ट यहां पर आया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, e प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब आप के मजमूई तवानाई को लेकर, यानी SHM में तवानाई इस टॉपिक को लेकर धीरे धीरे करके हमने अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलों को या बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स हमको हासिल हुए। अब हम उन रिजल्ट्स को यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं। आप देखिए, पहला रिजल्ट जो हमको मिला वो था ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर। ओके, दूसरा रिजल्ट हमको जो मिला वो था ई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेयर। तीसरा रिजल्ट हमको मिला ई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। चौथा रिजल्ट हमको मिला ई प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वेयर। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको यहाँ पर मिले हैं, ये मजमूई तवानाई का रिलेशन जाहिर करते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ में। जैसे ये हैता के साथ में, यानी एम्पलीट्यूड के साथ में एनर्जी का रिलेशन, जाविया रफ्तार का ताल्लुक एनर्जी के साथ में, तवानाई के साथ में, तवातीर का ताल्लुक एनर्जी के साथ में, और वक्त के दौरान का ताल्लुक एनर्जी के साथ में। इसमें देखने लायक जो बात है वो ये है कि हैता, जाविया रफ्तार, तवातिर, इन लोगों के साथ में तवानाई रास तनासुब में है। रास तनासुब का मतलब ये होगा कि अगर आप इन तीन लोगों को बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन जब मामला वक्त के दौरान का आएगा तो उल्टा मामला हो गया। जितना आप वक्त के दौरान बढ़ाओगे उतनी तवानाई जो है वो कम होती जाएगी। मतलब अगर कोई सिस्टम है आपके पास SHM वाली, उसका जैसे जैसे वक्त के दौरान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी तवानाई कम होगी। या फिर उल्टे अंदाज में आप ऐसा ले सकते हो कि अगर तवानाई को आप कम करते हैं, अगर किसी निज़ाम की तवानाई को आप लगातार, मजमूई तवानाई को अगर आप कम करते जाओगे तो ऑटोमेटिक उसका वक्त के दौरान जो है वो बढ़ते जाएगा। मतलब और वक्त के दौरान के बढ़ने का मतलब ये है कि वो निज़ाम जो है वो सुस्त होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। ओके, इसीलिए तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना वो अपनी हरकत पूरी करने के लिए। तो वक्त के दौरान बढ़ने का मतलब ये है कि उस जर्रे का स्लो होना या उस जर्रे की तवानाई का कम होते जाना। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा जो आर्टिकल है ये समझ में आ गया होगा, और इसके आप मतलब इस वीडियो को देखते हुए इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। आप लोग सवालात नोट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ सवालात आपको लिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो सवाल इसके अंदर आएगा वो ये है कि एक जर्रा सादा मौसी की हरकत कर रहा है, उसकी तवानाई बिल हरकत के लिए जाब्ता हासिल कीजिए। अगर ऐसा सवाल आया तो आपको सिर्फ तवानाई बिल हरकत करना है। जाहिर है, तवानाई बिल हरकत अगर आप करोगे तो तवानाई बिल हरकत का फॉर्मूला आएगा, ई के इज इक्वल टू हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दूसरा सवाल आ सकता है कि एक जर्रा SHM कर रहा है, उसकी तवानाई बिल कावा मालूम कीजिए। तवानाई बिल कावा का फॉर्मूला अगर पूछते हैं तो वह आ जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। फिर एक सवाल आ सकता है कि मजमूई तवानाई मालूम कीजिए, SHM के दौरान मजमूई तवानाई मालूम कीजिए। अगर ऐसा सवाल आता है तो यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इसमें आपको पहले तवानाई बिल हरकत आखज करना है, फिर तवानाई बिल कावा को आखज करना है, फिर बाद में दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि जब आप इनका मजमूआ लेंगे तो आपको टोटल एनर्जी या मजमूई तवानाई मिलेगी, और वो मिलेगी इस तरह से, यानी ई इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वेयर। ओके, फिर अगर आपसे इनमें से कोई भी एक रिजल्ट अगर पूछते हैं तो जो भी रिजल्ट आपको पूछा जाए उसके मुनासिबत से आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे। ओके, तो ये मुझे यकीन है कि आप लोगों को यहाँ तक ये पूरा आर्टिकल जो है ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा बदल कर भी देख सकते हैं, और ये जो बदलाव अब हम लोग करने जा रहे हैं तो ये कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो आप लोग फेस करते हैं 12th में या 12th के बाद भी, मतलब JEE या नीट वगैरह, उनके मुनासिबत से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको, इसी टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम पढ़ेंगे। आप देखिए, हमने अभी शुरू में देखा था कि तवानाई बिल हरकत के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ m इंटू v स्क्वेयर।
अब यहाँ पर ये जो v है खती रफ्तार, एक्चुअली ये खती हटाव का डेरिवेटिव है। आप लोग देखो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो और एक बार डिटेल में। हटाव के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ मतलब dx बाय dt अगर मैं करता हूँ तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ओमेगा हो जाएगा। वो ओमेगा को मैं सामने लिख सकता हूं तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ए, साइन की जगह पर आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, लेकिन ये जो डीएक्स बाई डी टी है ये वी है, इसकी जगह पर आप वी ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने इसको हटाकर इसकी जगह पर अगर वी ले लिया तो ये कीमत आप यहां रख सकते हो। इस मुनासिबत से अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा ई के इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। जाहिर है अब वी की कीमत ये है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन के रूप में अगर तवानाई पूछी जाए तो तवानाई बिलहरकत इतनी होगी। तवानाई बिलहरकत का जो फॉर्मूला है वो इतना रहेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। ओके, ये हो गई तवानाई बिल हरकत। इसी तरह से अगर आपको तवानाई बिल का निकालना है तो हम देखो तवानाई बिल का पहले हम ये वाला जो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला हम इसको ऊपर यहाँ लिख के रख देते हैं ताकि फिर ये आसानी से रिकॉल हो सके। आप लोग देखो तवानाई बिल हरकत का फॉर्मूला हमको मिला हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया तवानाई बिल हरकत का। अब हम देखेंगे कि तवानाई बिल कवा क्या होगी। तो तवानाई बिल कवा अगर हम निकालते हैं यू इज इक्वल टू, आपको पता है अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था, हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स जो है वो खुद ही साइन फंक्शन है, मतलब उसका खुद का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, या एक्स का फॉर्मूला हमारे पास जो फॉर्मूला था वो है ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो हम एक्स की ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। अगर एक्स को यहाँ उठा के रख दिया जाए तो ये आएगा यू इज इक्वल टू हाफ के, एक्स की जगह पर आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया तवानाई बिल कवा के लिए। हम इस फॉर्मूले को भी उठाकर यहाँ ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ ला के रख लेते हैं तो ये आ जाएगा हम इसको यहाँ पर अपने रिकॉल करने के लिए इसको लिख लेते हैं यू इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर आप देखिए कि तवानाई बिल कवा में साइन स्क्वेयर वाला फंक्शन आया और तवानाई बिल हरकत में कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन आया। अब अगर आपने इन दोनों को जमा किए, दोनों का मजमू अगर आप लेते हो तो आपको मजमू तवानाई मिल जाएगी। जाहिर है मजमू तवानाई आ जाएगी ई के प्लस यू, मतलब ये पूरा नंबर प्लस ये पूरा नंबर। और अब ये जो के है अगर आपने इस के को हटाकर एम इंटू ओमेगा अगर आप ले लेते हैं तो यहां पर इस के की जगह पर आ जाएगा एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू ये। इस तरह से आप देखो ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर। लेकिन हमको पता है कि कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 होता है, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो तवानाई जो है वो हमको मुस्तकिल मिली है, मतलब ना वो उसमें कॉस फंक्शन है ना उसमें साइन फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि तवानाई जो है वो एम पर डिपेंड है, एम कांस्टेंट है। तवानाई जो है वो ओमेगा पे डिपेंड है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। तवानाई एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है, यानी हैता पर डिपेंड है, मगर वो भी कांस्टेंट है। अगर ये सारे लोग कांस्टेंट है तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये मिला यहाँ पर कि तवानाई जो है वो मुस्तकिल है, वो एक कांस्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ हमारा यानी इस आर्टिकल को अलग नजरिए से अलग एंगल से देखने का ये जो तरीका है
ये भी कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से तावाने बिल हरकत जो है वो कोसाइन स्क्वायर का फंक्शन हमको मिला, तावाने बिल कावा जो है वो साइन स्क्वायर का फंक्शन हमको मिला, और मजमूई तावाने जो है वो कांस्टेंट मिली है। तावाने बिल हरकत का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उस पर से आप ऐसा रिजल्ट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर एमसीक्यू वगैरह में, तावाने बिल हरकत प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा इसके अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसको हम थीटा ले सकते हैं फेज एंगल के तौर पर, इसलिए वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आप तवाने बिल कवा के बारे में बात करेंगे तो तवाने बिल कवा आ जाएगी ई प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मुझे यकीन है कि आज की ये तमाम जो चीज़ें अभी हमने पढ़े हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और वो है कि क्या हम ये जो तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कावा और मजमूई तवानाई जो है, क्या हम इसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो तरसीमी इजहार है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है, और वो एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं उसके ताल्लुक से। तो आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमारा तवानी बिल हरकत का फॉर्मूला हमको जो मिला था वो है हाफ के इंटू हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर के का मतलब एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर है। तवाने बिल कवा का फॉर्मूला हमको मिला था हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर, और जब हम मजमूई तवानाई की बात करेंगे उसका फॉर्मूला मिला था हाफ के इंटू ए स्क्वेयर। अब अगर मुझे इनका तरसीमी इजहार अगर करना है तो मैं यहाँ जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, मतलब ये औसत मकाम है। अगर ये औसत मकाम है तो यहाँ पर एक्स बराबर जीरो लेना पड़ेगा। ओके, हटाओ जो है उसकी कीमत जीरो लेंगे। अब अगर ये औसत मकाम है तो फिर दो इंतहाई मकाम होंगे, एक सीधे हाथ की तरफ और एक इधर लेफ्ट साइड में। तो मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन है, तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को प्लस ए ले लेता हूँ, और सपोज करो कि उतनी दूरी पर यहाँ पर ये हमारा मनफी इंतहाई मकाम है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस ए के बराबर। अब आप एक चीज़ पर गौर करो कि मजमूई तवानाई कांस्टेंट है, वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं है, उसमें एक्स है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मजमूई तवानाई का ग्राफ बनाया जाए तो वो एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट मतलब वो पूरे हर जगह पर एक जैसा आएगा। अगर जर्रा औसत मकाम पर है तो उसकी कीमत मान लो ये है, अगर वो निगेटिव इंतहाई मकाम पर है तो वो यहाँ पर आएगा, उसी तरह से उसकी कीमत अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पर है तो यहाँ कहीं कीमत उसकी आएगी। इन सबको अगर पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब इस टाइप की ये वैल्यूज हमको मिलेंगी। ये वाली कीमत इस मकाम के लिए, ये वाली कीमत इस मकाम के लिए, और ये कीमत औसत मकाम के लिए। ओके, ये जो लाइन हमको मिली ये मजमूई तवानाई का ग्राफ तैयार हो गया। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है एक्चुअली ये क्या है, टोटल एनर्जी है। हाँ, अब हम इसमें तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा को प्लॉट करेंगे। आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं तवानाई बिल हरकत पे गौर करता हूँ। अगर मैं तवानाई बिल हरकत में एक्स की जगह पे जीरो लेता हूँ, आप इमेजिन करो देखो क्या होगा, अगर एक्स की जगह पे जीरो लेंगे तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, और अगर ये टर्म गायब होगी तो बाकी बचेगा हाफ के इंटू ए स्क्वेयर, लेकिन हाफ के इंटू ए स्क्वेयर तो ई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स बराबर जीरो लेते हैं तो तवानाई बिल हरकत मजमूई तवानाई बन जाएगी। आप एक बार फिर से आप देखो, अगर मैंने एक्स बराबर मतलब ये इसकी जगह पर अगर मैं जीरो लेता हूं तो ये पूरा नंबर गायब हो गया, और अगर ये गायब हो गया तो बचा कौन, ए स्क्वेयर, और अगर ए स्क्वेयर बाकी बचा मतलब क्या बचेगा, हाफ के इंटू ए स्क्वेयर यानी ये नंबर। तो तवानाई बिल हरकत जो है वो आ जाएगी हाफ के इंटू ए स्क्वेयर यानी मजमूई तवानाई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया यहां पर कि जब जरा औसत मकाम पर होता है उस वक्त उसकी जो मजमूई तवानाई है वो तवानाई बिल हरकत होती है। तो औसत मकाम पर मजमूई तवानाई यहाँ आएगी इस पॉइंट पर, ये मजमूई तवानाई,
मतलब ये तवानाई बिल हरकत भी होगी और यही मजमूई तवानाई भी रहेगी। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि जर्रा पॉजिटिव एंड पर चला गया या नेगेटिव एंड पर चला गया, कहीं पर भी अगर हो जाता है तो एक्स की जगह पर आपको ए लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्स की जगह पर ए प्लस ए या माइनस ए, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, तो अगर आपने यहाँ पर एक्स की जगह पर ए अगर ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, अगर ये ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो गया तो ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब तवानाई बिल हरकत जो है वो जीरो हो जाती है इंतहाई मकाम पर। जीरो का मतलब उसका प्लॉट यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट जो है ये तवानाई बिल हरकत की गिनती हो जाएगी। तो यहाँ हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि औसत मकाम पर तवानाई बिल हरकत यहाँ है, इंतहाई मकाम पर तवानाई बिल हरकत यहाँ पर और यहाँ पर है। तो आपको ये तीन अलग अलग पॉइंट्स मिल गए, इनको आपस में जोड़ना है। अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ता हूँ, और मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले तवानाई बिल हरकत के टाइम पर कि ये कोसाइन फंक्शन है, मतलब ये कोई लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब आप इसको ऐसा सीधा नहीं जोड़ सकते, सीधा नहीं आएगा, बल्कि कोसाइन फंक्शन के तौर पे लेना पड़ेगा, और कोसाइन फंक्शन कर्व होता है। इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मुझे इनको ऐसा जोड़ना पड़ेगा। ओके, और इन दोनों को जोड़ना है तो फिर वो इस तरह से जुड़े जाएंगे। तो ये इस तरीके से ऐसा एक कर्व जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब हम देखते हैं कि तवानाई बिल का हुआ का क्या होगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला तवानाई बिल का हुआ, हमने पहले तवानाई मजमूई तवानाई देखे तो वो सीधा खत आ गया, फिर अब हमने तवानाई बिल हरकत देखे तो वो कुछ इस तरह से बन गई। अब हमको देखना है तवानाई बिल का हुआ। ओके, तवानाई बिल का हुआ के टाइम पर सबसे पहले मैं एक्स की जगह पे जीरो ले लेता हूँ, मतलब ये वाला पॉइंट औसत मकाम। अगर औसत मकाम पे एक्स की कीमत जीरो लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जीरो आएगा, तो तवानाई बिल का हुआ जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जरा औसत मकाम पर होगा तो तवानाई बिल का हुआ यहाँ होगी, औसत मकाम पे जीरो। ओके, अब हम एक्स की जगह पर प्लस ए या माइनस ए लेते हैं। अगर मैंने उसको प्लस ए लिया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ के इंटू ए स्क्वायर, यानी ये मजमूई तवानाई। तो इंतहाई मकाम पर तवानाई बिल का हुआ जो है वो मजमूई तवानाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंतहाई मकाम पर U की कीमत यहां मिलेगी। ओके, उसी तरह से अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस ए लेता हूं तो भी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए ही आएगा, प्लस ए स्क्वायर आएगा, और इस लिहाज से हाफ के इंटू ए स्क्वायर, यानी यही कीमत हमको मिलेगी। तो इंतहाई मकाम पर तवानाई बिल का हुआ यहां मिलेगी। अब आप गौर करो, आपको तवानाई बिल का हुआ के लिए भी तीन वैल्यूज मिली, ये पहली कीमत, ये दूसरी कीमत और ये तीसरी कीमत। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि तवानाई बिल का हुआ जो है वो भी है, वो साइन फंक्शन थी, उसमें साइन स्क्वायर आया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंट्स को आप ऐसा सीधा नहीं जोड़ सकते, बराबर है, आप ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। तो इनको जोड़ने के लिए आपको साइन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कर्व बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम कुछ इस तरह तरीके से जोड़ सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ना है तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा तवानाई बिल का हुआ का ग्राफ आ गया। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिल कवा जो है उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। अब आपके पास SHM के अंदर तवानाई का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ गया है। आप देखिए, ये सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि तरसीम इजहार कीजिए, तो जनरल हो गया, लेकिन ये सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ये तरसीम आपको दी जाएगी, यानी सवाल में ये सवाल, ये ग्राफ जो है ये बना हुआ रहेगा, और ये तरसीम के अंदर जहाँ भी जैसे टोटल एनर्जी वहाँ रहेगा नंबर वन, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वहाँ रहेगा नंबर टू, यहाँ पर नंबर तीन, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये 1 2 3 जो है ये क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये कौन से किस, मतलब ये जो कर्व है, ये जो मुनहनी है, ये किस का कौन सी तवानाई को जाहिर करती है। तो जाहिर सी बात है, चलो ये काम करती है, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ इस तरीके से। ओके, मान लो कि ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, और ये नंबर तीन है। तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर वन किस चीज़ को जाहिर करता है, तो ये जो नंबर वन जो ग्राफ है ये जाहिर करेगा टोटल एनर्जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर टू किस को जाहिर करेगा, तो नंबर टू तवानाई बिल हरकत को जाहिर कर, काइनेटिक एनर्जी को जाहिर करेगा। नंबर तीन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को, तवानाई बिल कवा को जाहिर करेगा। ओके, एक और सवाल इसमें बन सकता है, और वो ये है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो तरसीम है ये कौन से कानून को जाहिर करता है,
कौन सी यानी बका के जो अलग अलग जो कानून होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होते हैं, तो ये कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, किस चीज़ का कंजर्वेशन है? तो आप देखो ये जो ग्राफ है इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जर्रा इंतहाई मकाम से लेकर, यानी निगेटिव इंतहाई मकाम से लेकर पॉजिटिव इंतहाई मकाम तक अगर चला जाए तो भी उसकी टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। ओके, और अगर उसकी मजमूई तवानाई मुस्तकिल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस हरकत के दौरान जर्रे की मजमूई तवानाई हमेशा मुस्तकिल होती है, मतलब ये तवानाई की बका का कानून को जाहिर करेगा। यानी इस ग्राफ के जरिए हमको पता चलता है कि जब कोई जर्रा SHM करता है तो उसमें तवानाई की बका का कानून यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बिल्कुल करेक्ट साबित होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, और आप साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। आप जहाँ पर अभी जो मैंने डेरिवेशन शुरू में करके बताया था, वो तमाम डेरिवेशंस में आप वीडियो को बार बार पॉज कर करके नोट करते जाओ ताकि आपकी कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो, और कंप्लीट आर्टिकल आप इसका तैयार करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप इसको आसानी से स्टडी कर सकते हो। अब आज हमारा तो ये लेक्चर जो है यहीं पर हम एंड करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।